मात पिता परमात्मा और पति सेवा गुरु ज्ञान इनसे रिल मिल चालनो। अरे भैया वही नर चतुरी सुजान, माँ को देखो बच्चे को कितना लाड लड़ाती है, नौ मास गर्भ में रखती है और वो अपना दूध पिलाती है, खुद सोती है गीले में और सूखे में उसे सुलाती है, मलमूत्र सदाई धोती है, अरे बलिहारी उन पे जाती है। ऐसी माँ को जो नर त्याग गए, ऐसी माँ को जो नर त्यागे, अरे वे पुत्र नरक का त्यामी है, अरे पुत्र नहीं कपुत्र है, अरे वो के नाता दूध हरामी है। माँ माँ को देखो बच्चे को कितना लाड लड़ाती है, अरे नौ मास गर्भ में रखती है वो अपना दूध पिलाती है, खुद सोती है गीले में और सूखे में उसे सुलाती है, खुद आलेडा में हो जाए लेकिन हुके में आपरे टाबर ने हुआने के मारे गिगलिया ने कटी ठंड लाग चला और वो ही गिगलियो मोटो वेजर गंगाराम होटल डोगरी रहा में जाया करे के माँ तू मैंने गाड़ी दिलाओ जी की बात करके लारा अगला वादा छोड़ दे। अरे खुद सोती हकीकत की बातें सुनो, ये कलयुग में घर घर की कहानी हो गई है। एक शहर में रेवे सुनो गरीब बूढ़ी औरत विधवा जी रही की लड़कों वो जंगल में जावे लकड़ियां काटे शहर में बेचे रापरी उधर पूर्ति चलावे। अभी उन्हीं जंगल में सनो एक लड़की भी लकड़ियां लेने वास्ते आती, अब दुनिया के बीच में कई बात हुए रो कई बात बढ़ जावे देखो। एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूं आज। एक विधवा थी औरत मुख दर्श गरीब और मोहताज, गए तकदीर से गए तकदीर से, अरे बेटा ता उनका दीवाना, अरे एक हसीना पे दिल जान देता दीवाना, एक हसीना पे दिल जान देता दीवाना। एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ, माँ की ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। बनके भरिया दी बोला लड़का, एक रोज बनके भरिया दी, पुराने मान दिल और जान रचा ले शादी, पुराने मान दिल और जान रचा ले शादी। एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ रे, बोलो हमारा आत्मा की। एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ आज। एक विधवा थी औरत मुख दर से गरीब और मोहताज, गए तकदीर से बैठा था उनका दीवाना, एक हसीना पे दिल और जान देता दीवाना। बैठ जाओ आराम। अब सुनो वो लड़को गरीब और लड़की भी गरीब लेकिन लड़की समझदार ईमानदार परिवार संस्कार ग्रहण रही। बोला लड़का एक रोज बन के फरियादी, पुराने मान दिल और जान रचा ले शादी, बुरी बात नहीं, तू ही गरीब है मैं गरीब हूँ, आप दोनों शादी कर ले। लड़की विचार करे भाई शादी तो करनी है लेकिन कोई टावराड़ो खेल तो है नहीं, पहली री परीक्षा ले कि वो वास्तव में शादी के लायक है या नहीं है, गृहस्थी राख सके या नहीं राख सके। बोली लड़की अभी तू गमना भर मोहब्बत का, अभी ये राज खोल दूंगी हर हकीकत का, वैसे मैं तेरे साथ शादी नहीं करती, थारी मैंने परीक्षा लेनी है। परीक्षा नो नाव लियो उनके भी भाई ने री सही। बोले परीक्षा
मरी परीक्षा, अरे भाग्य दुनिया से हसरत की बहारे ला दूं, तू केवे तो आसमान दा तारा तोड़न लियो के भाग्य बेटा बाप तारा नहीं जोई जे तो भाग्य दुनिया से हसरत की बहारे ला दूं, जरो जमीन तो क्या चांद सितारे ला दूं। बा विचार करियो एडी चीज मंगाओ ताकि इकी कैपेसिटी भी आपने ध्यान पड़ जावे कि वो इरे माई तारे वास्ते कितो वफादार है। जो माई तारो वफादार वे वो लुगई टावर भी वफादार हुवेला। लड़की विचार करो ऐसी चीज मंगाओ ताकि आपनो छुटकारो भी हो जावे और परीक्षा भी हो जावे। जद वह लड़की क्यों भैया अगर शादी करनी है तो मैं जगी चीज मंगाऊ बा चीज लावे तो आप दो यार घर बंदे। अब वह लड़की कहीं मंगावे और कहीं बात बोली सजनाओ। बोली लड़की वो बोली लड़की अरे मैं समझूंगी प्यार के काबिल, अरे चीर के सीना, अरे चीर के सीना मुझे ला दे तेरी माँ का दिल, चीर के सीना मुझे ला दे अपनी माँ का दिल, चीर के सीना मुझे ला दे तेरी माँ का दिल। एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ, माँ की ममता की, माँ की ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। माँ को लगा माँ के लहू का प्यासा, चीरने माँ को लगा माँ के लहू का प्यासा। रे मीरा के श्याम की, अरे बोली लड़की मैं समझूंगी प्यार के काबिल, चीर के सीना मुझे ला दे तेरी माँ का दिल। थारी माँ ने मार बीरो कलेजो ले रवे तो मेरे साथे शादी में थारे साथे कर लो की। तो वो कोई हपूत गरणर रो टाबर हो हवकारी हो तेरे नाव बंडो हो बोले बस मारी मारो इच काट जाओ। आ तो गरीब बात है, इमें 10 रुपया रो खर्चो नहीं लागे, हमारो 2 घंटों पाचाऊ के सजनो। देखो वो कितो आंदो हो, अब वो खंजर तो हाथ में हो क्योंकि काटा पाटा ही करते हो जंगल में। अब वो घरे गयो भागतो भागतो तो माँ माँ सबदी एक एड़ो सबद है सजनो जी ने क्यों खाली मुंडो पूरो भरी जाया कर। माँ विचार करो रे बेटा तू रोजीना 5 बजे घरे आवे, आज तू 9 बजा दी जंगल के मायने भूखो प्यासो कटे रही हो क्योंकि पहली सुनो व्यवस्था नहीं। आज का तो जगह जगह मिर्ची बड़ा दुकान बनोड़ी है। घर जाता ही माँ भी ने कहीं क्या करे, देखो जी ने कहे माँ की ममता। माँ कह रे बेटा कर ही गया माँ क्योंकि डांगड़ी रात एक विशेष तोरू कर ही गया माँ। अरे प्यार से पुकारी उठी, अरे देर का कर दी मेरे लालिया, अरे देर का कर दी मेरे लाल खाने रोटी, देर का कर दी मेरे लाल खाने रोटी, देर का कर दी मेरे लाल खाने रोटी। एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। रोटी बाबे बिन तो शादी करनी, घर बसाना
होता क्या देखें। इश्क नहीं बेरा अंधा कर डारा, एक भी माँ की बात वो मन में नहीं धारा। चीख मारी वो चक्कू निकालियो और डोगरी ने छाती में घालियो, डोगरी राट की आवाज करे रे बेटा। चीख मारी तो कयामत का मुंह उतर गया, अरे वो हाथ भर का जो खंजर, अरे भाई माँ के जिगर पार गया। हाथ भर का जो छुरा माँ के जिगर पार गया, हाथ भर का जो छुरा माँ के जिगर पार गया। एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ, एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ रे। घर जाता ही क्यों रे बेटा, घर ही गया माँ प्यार से पुकार उठी, देर कहां कर दी मेरे लाल आखा ले रोटी। उन्हें केरी रोटी बाबा सुनो, दिल में बसी लवरेज था, दिल में बसी का कांटा, अरे चीरने माँ को लगा माँ के लहू का प्यासा। वो चक्कू निकालियो डोगरी केरे बेटा, 80 साल री डोगरी सुनो फिर आगे कटे हजे। बोले रे बेटा मैं थारी माँ हूँ। बोले बुढ़िया कोई किसी की माँ नहीं, अपन को शादी बनाने को मंगता है। अब सुनो वो चकून टाइम पेट में मायने घाले तो बार डोगरी कूकी तो आपरी पगरी जूती जो मुंडा में गाल दी ताकि कोई पड़ोसी आवाज नहीं सुन ले। भाई सजनो माँ ने मार कलेजो निकाल और रात के वक्त उठू निकल गो के भाई उन लड़की रे घर ले जा रहा चीज आप दे दे वहां और आप शादी कर ले वहां। तो जिन टेम वो कलेजो ले रात में चक्कू और रात्रि टेम भाग रही हो वो लड़की ने घरे जाऊने वास्ते, तो भगवान विचार कर रहा धरती कांपने लग रही है। भगवान तूने तेरी दुनिया में कैसे कैसे फरिश्ते भेज दिए, जो एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसी सजा करके जा रहा है पर उसके साथ कुछ नहीं। भगवान मेरी परीक्षा लिवी के भाई कहेटा वो अजय तक लके या नहीं लके, कोई गलती में कोई काम नहीं हो तो वह परीक्षा कहीं वे सुनो। जल्दबाजी में दौड़ते दौड़ते जालिम ने एक ठोकर खाई, हाथ से गिर पड़ा दिल और जमी धर्राई। आ धरती कांपी और वो काल जो हाथों छूटियो, तो उन कालजे में भगवान की कुदरत करिश्मो एक एड़ो की उन कालजे मायने मारो मुंडो दिखे उन्हें लड़के ने और वहां मारो मुंडो पड़ियो पड़ियो। आप बेटा ने क्यों रे बेटा इन्हें केवे सुनो माँ की ममता, वो तो विने मार दी लेकिन फिर भी माँ को कलेजो हाल तक बेटा रे साथ ही कलेजो पड़ियो पड़ियो केवे रे बेटा। मचलते वे माँ के दिल ने कहा, मचलते वे माँ के दिल ने कहा और लेते हुए अंगड़ाई, ए मेरे लाल ए मेरे लाल ए मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई, ए मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई, ए मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। ये हकीकत की बात है क्योंकि अब तो आदमी ने दिमाग में कहीं कोई चीज बढ़ जाया करे, कोई बात ऐसी हो जावे जो माँ बाप वो फ्रंट हो जावे, लेकिन माँ बाप रो काल जो औलाद रे वास सुनो बीतो ही दौड़ा करे जितो पहली दौड़ तो वो रो वो, क्योंकि सुनो जो भी ने पैदा करियो है आपके खून सींचे माँ और बाप इन्हें बड़ो करे पढ़ावे लिखावे सुनो शादी करे, शादी कर दे तो माँ बाप ठीक रहे भाई और शादी करिया रे बाद में बिल्कुल ही पलटा चेंज हो जाया करे। लेकिन सुनो आकर के जो संसार इस दुनिया में अपने माँ पिता का ना हो सका, माँ बाप रो जो इंसान अठे नहीं हुए तो सुनो वो आगे भी किरो नहीं हुआ करे, गारंटेड है शास्त्र प्रमाण है। आके जो संसार में मात पिता का ना हो सका, अरे वो यहाँ का ना हो सका वो वहां का भी ना हो सका। तो देखें ए मेरे लाल ए मेरे लाल ए मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई, ए मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। इश्क ने बेरा अंधा तो तुझे कर डारा, इश्क ने बेरा अंधा तो तुझे कर डारा। कौन था
अब देखिए सुनो क्या होता है। मचलते हुए माँ के दिल ने कहा लेते हुए अंगड़ाई, मैं तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ। मचलते हुए माँ के दिल ने कहा लेते हुए अंगड़ाई, ए मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। सजनों फिर भी वो मूर्ख उन चीज ने दिमाग रे मायने नहीं ली, फट काल जो उठायो और लड़की के घरे रवाना। रात्रि 3-4 बजे सजनों लड़की के घरे पुगे, आडो खटखटायो और फूलन देवी आडो खोलने वास्ते आया तो उरे पगरे मायने आपरी मारो काळजो, क्योंकि मारे सुदर्शन भाई बड़ा ही प्रेमी है और हमारे कहीं इंटरनेशनल सोशल मीडिया रो टाइम चल रही है, सब कलाकार भाग रिया है सोशल मीडिया में और काफी कलाकार ने सुदर्शन भाई के सहयोग में अच्छी जान पहचान बड़ी, क्योंकि एक दूजा रो एडवर्टाइजमेंट होते रहे तो सजनों वो भी एक प्रेम है। अब वो माँ को काल जो उन छोरी रे पगा में रख और वो भाई उन्हें क्यों ने लागो के भाई जकी चीजे को सुनने लायक चीज है सजनों, के जो तूने मंगाई वो चीज में लेके आ गया। अबे तू शादी करके कहीं के देखो रखे दिल कदमों में अरे लड़का जब वो मुस्कुराया जो मांगा था वो मेरी जान वो मिल आया, जो मांगा था वो मेरी जान वो मिल आया, जो मांगा था वो भाई मैंने वो तो नहीं आया। एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ, एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। कदमों में लड़का जब वो मुस्कुराया जो मांगा था वो मेरी जान वो मैं ले आया। अब देखो वह लड़की कहीं रिएक्ट कहे, लड़की उन लड़का ने कहीं कहे, अगर समझ में आवे तो आप ताली जरूर बजा जो कि लड़की समझदार ही सुनो, गरीब जरूरी लेकिन पढ़ी लिखी संस्कारवान और ईमानदार करना रो टावर हो। वह छोरी उन छोरा ने कह वाह भाई धन्यवाद है, पीठ थपथपाई भी रही कि वास्तव में तू शादी करने रे लायक है। कहीं क्यों लड़की देखो अगर बढ़िया लागे तो ताली बजाओ आप 2 मिनट। बोली लड़की तुझसा आशिक कुर्बान नहीं, तू शैतान है लेकिन जे इंसान नहीं। अरे मूर्ख तूने सोचा नहीं कि इसका असर क्या होगा, तू अपनी माता का ना हुआ तो मेरा भी क्या होगा। ए भाई अरे अपनी माता का ना हुआ तो मेरा क्या होगा, अपनी माता का ना हुआ तो मेरा क्या होगा, अपनी माता का ना हुआ रे मेरा क्या होगा। एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। बोलो शंकर भोलेनाथ की। बोली लड़की तुझसा आशिक कुर्बान नहीं, तू शैतान है लेकिन रे इंसान नहीं। अरे मूर्ख सोचा नहीं कि इसका असर क्या होगा, तू अपनी माँ का ना हुआ तो मेरा भी तू क्या होगा। लड़की तुझसा आशिक कुर्बान नहीं, अरे तू शैतान है लेकिन रे इंसान नहीं। अरे मूर्ख तूने सोचा नहीं कि इसका असर क्या होगा, तू अपनी माँ का ना हुआ तो मेरा क्या होगा। आज मारे क्यों नो तू तारी माँ ने मार दी,
तो काले कोई दूजी मिली तो थारी मारे तो 2 घंटा ही लगाया, तो मारे तो सिर्फ 2 मिनट ही नहीं लगावे। ई वास्ते आपनो शादी कैंसिल। भाई फिर की पेंसिल भाई तू ही मरगी आई धोखा कर दिया। तो सजनो वे कहीं जत तो फूफा जी लारे नहीं रिया करे। फूफा जी किन के मैं फूली सड़ा ने बात ही बात में बातों की बतंकड़े जो बड़ी थोड़ी ही देर में ले आई पुलिस हथकड़ी। कर दिया गिरफ्तार उसने बहरेमी के साथ ले जा सजनो अदालत में पेश करियो जज साहब सामी। हाथ में कार्ड जो भैरे रंगे हाथ सब सबूत मौजूद। एक हाथ में चकुर एक हाथ में कलेजो भैरी पकड़ कोदर पेश करियो जज साहब सामी। वकील आप रो फैसलो सुनावे। योर ऑनर ताजे रात हिंद दफा 302 ये जो मुजरिम आपके सामने खड़ा है इसने अपनी माँ का मर्डर किया है। सबूत के लिए इसके पास कुछ नहीं, सजाए इसको मौत दी जाए। चिंटे में सजनो जज साहब वो मौत रो फरमान सुनार वो पेन तोड़िया करे नहीं। वो पेन तोड़ने लागे और के एक प्रकार कुदरत रो क्रिस्मो वे के वो मारो काल जो अदालत में जोर जोर उन चिल्लाटी मारे। और जज साहब ने कहे जज साहब 1 मिनट रुको थे मारी बात सुनो, मारे लड़के ने आप कौन मारना डाओ। सजनो इन्हीं केवे माँ की ममता। जज साहब बेसबाजी करे माँ को कलेजो के जज साहब। मचलते वे माँ के दिल ने कहा अरे इनमें इसका कोई दोष नहीं, ये तो नादान है बच्चा अभी तक होश नहीं। हे प्रभु मचलते वे माँ के दिल ने कहा कि इनमें इसका कोई दोष नहीं, ये तो नादान है बच्चा अभी तक इसको होश नहीं। इन्हें क्यों पकड़ियो ओ मने नहीं मारियो, मैं मारे छोरा रो घर बसोने वास्ते मारो काल जो निकाल मार बेटा ने दियो जा साहब, इसने मेरा मर्डर नहीं किया है। तो सजनो अगर मरे जग कोई आ बात कबूल कर ले वे तो जज साहब बेचारा कहीं करे। तो कहीं वे देखो जज साहब ने छोड़नो पड़े और आखिर में भी भाई ने भी दम तोड़नो पड़े। पच भी ने ध्यान पड़ी रे दुनिया में माँ बाप रे बरोबर कोई नहीं तो है और नहीं कोई वेला। कहीं के वे जज साहब अरे छोड़ दो मेरे जिगर के टुकड़े को, छोड़ दो मेरे जिगर के टुकड़े को, फिर से कांटे खूंगी मैं चांद सा इस मुखड़े को, फिर से कांटे खूंगी मैं चांद सा इस मुखड़े को। एक ममता की कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। आखिर में ये तो सुन कर के पुलिस ने उसको छोड़ दिया। पुलिस नहीं करे ये तो सुन कर के पुलिस ने उसको छोड़ दिया। पड़ते जमीन पे नादान ने दम तोड़ दिया, पड़ते जमीन पे नादान ने दम तोड़ दिया। एक ममता की कहानी तुम सुनाता हूँ। ये तो सुनकर पुलिस ने उसको छोड़ दिया, पड़ते ही जमीन पे नादा ने दम तोड़ दिया। उल्टे मुने ध्यान पड़े रे चारों वेदरे मायने माँ बाप रे बहुत महिमा करोड़ी है के माँ बाप रे वास्ते श्रवण जेड़ा बेटा। सुनो आप देखे या नहीं देखा भगवान श्री राम जैसे जो माता केकवी ने 14 वर्ष का वनवास दिया तो भगवान हंसता हंसता उठो निकल गया। आप भी नहीं क्यों गए मने क्यों कह रही है क्यों बनवास में भेज रही है क्योंकि माइतारो इतो सुनो मैं तुम्हें बतायो है जब देखिए सुनो। अरे तीन लोक ने अरे महिमा बकानी, अरे किसी ने माँ की अरे किसी ने माता पिता की कदर ना जानी, अरे कदर ना जानी, अरे प्यारे मेरे सबसे बड़ी है माँ, ओ प्यारे मेरे सबसे बड़ी है माँ, ओ प्यारे मेरे सबसे बड़ी है माँ। बोलो भक्त और भगवान की वास्ते सजनो ये तो सुन करके पुलिस ने उसको छोड़ दिया, पड़ते जमीन पे नादा ने भी दम तोड़ दिया।
तो सजनो तू कितनी प्यारी है मेरी बोली माँ, जो माँ बाप रोवे तो सजनो बिने कटे जाने की जरूरत नहीं पड़िया करे। बोलो मात पिता गुरुदेव की।